देश दुनिया के इतिहास में 26 जून का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन वंदे भारत गीत के रचयिता वंकिम चंद्र चटर्जी के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज ही के दिन 1498 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया था। आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल का चीन के एक राजा ने पेटेंट करवाया था। 1714 में आज ही के दिन स्पेन और नीदरलैंड के बीच व्यापार और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बंगाली उपन्यासकार और वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म आज ही के दिन 1838 में हुआ था। मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का जन्म आज ही के दिन 1888 में हुआ था। आज ही के दिन 1894 में जर्मनी के कार्ल फ्रेडरिक बेंज ने गैस से चलने वाले ऑटो का अमेरिकी पेटेंट हासिल किया था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ था। आज ही के दिन 1927 में संवाद सिनेमा ने अपना जीवन आरंभ किया था। फिल्म बनाने के साथ ही निरंतर इस बात का प्रयास किया गया कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिसमें संवाद भी हो। 1941 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिनलैंड ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था। आज ही के दिन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1949 में आज ही के दिन बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। दुनिया में कड़वे प्रवचन के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत जैन मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज का जन्म आज ही के दिन 1967 में मध्य प्रदेश के दहोह में हुआ था। आज ही के दिन 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पश्चिम जर्मनी के शहर बर्लिन में एक भीड़ को संबोधित किया था। कैनेडी ने बर्लिन को शीत युद्ध के दौरान विश्व में स्वतंत्रता का प्रतीक बताया था। 1976 में आज ही के दिन कनाडा के टोरंटो में स्थित सीएन टावर को जनता के लिए खोला गया था। 1815 फुट की यह इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे 2007 में दुबई की बुर्ज खलीफा ने दूसरे स्थान पर धकेल दिया था। आज ही के दिन 1982 में एयर इंडिया का पहला बोइंग गौरी शंकर मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिया गया था। आज ही के दिन 2004 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मीर जफर उल्लाह जमाली के इस्तीफे के बाद सुजात हुसैन नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता यश जौहर का निधन आज ही के दिन 2004 में हुआ था। यश जौहर को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सफल निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज ही के दिन 2008 में बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो रिटो ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हीरा खनन के लिए खनिज पट्टा माइनिंग लीज हासिल कर बंदर डायमंड प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।